जब से बीजेपी सत्ता में आई है लोगों पर अत्याचार जारी है, खासकर दलितों के ऊपर। इन 5 सालों के कार्यकाल में मोदी ने सिर्फ जनता को छला है, झूठे वादे और धोखे दिए हैं। आपको बता दें, मोदी योगी राज में बस गुंडागर्दी खून खराबा को ही बढ़ावा दिया गया है। हाल ही में JVM सुप्रीमो ने मोदी सरकार पर जमकर हमला किया। उन्होंने कहा, भाजपा के कार्यकाल में जितना दलितों पर अत्याचार और शोषण हुआ है, उतना इस देश में किसी सरकार के कार्यकाल में नहीं हुआ। आगे बाबूलाल मरांडी ने कहा कि अगर दलितों को उनका हक दिलाना है तो भाजपा को सत्ता से बाहर का रास्ता दिखाना होगा। इस मौके पर मौजूदा पार्टी के प्रधान महासचिव प्रदीप यादव ने कहा कि राज्य की रघुवर सरकार में चारों तरफ लूट मची है। प्रदीप यादव ने कहा कि अभी अभी करोड़ों का कंबल घोटाला सामने आया है और ना जाने बीजेपी राज में कई बड़े घोटाले हुए हैं। JVM सुप्रीमो ने कहा कि भाजपा शासनकाल में रोहित बेमूला सहित कई ऐसे उदाहरण गिनाए जा सकते हैं जहां सरकार के इशारे पर दलितों के साथ अत्याचार होता रहा है और प्रधानमंत्री आंखें मूंदे सत्ता में बैठी रही, लेकिन हुआ तो बस दलित कमजोरों पर अत्याचार। ऐसे में बीजेपी को 2019 लोकसभा चुनाव में बाहर का रास्ता दिखाना है, ये तो जनता ही तय करेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, नेशनल दस्तक। नेशनल दस्तक को देखने वालों से अपील है कि वह नेशनल दस्तक के सपोर्टर फॉर्म को भरें ताकि हम सीधे आपसे जुड़ सकें। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।